सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल पे, भेलाघाट वाटरफॉल। हम लोग का इलाका का मतलब सबसे मतलब सुंदर वाटरफॉल पे जाऊंगा आज, तो आप लोगों को दिखाऊंगा। डोमिनर 400 है और ये है डोमिनर 250। भाई ने कुछ कस्टम कर रखा है यहाँ पे, तो अभी चलते हैं, फटाफट से चलो और आप लोगों को एक सुंदर वाटरफॉल आज दिखा कर लाता हूँ मैं। तो चलो चलते हैं अभी, और आगे फ्रेंड भी है तो वो लोग भी आगे से जाएगा। हम लोग को जाना होगा, उसका घर मतलब उस वाटरफॉल वाले रास्ते पे ही पड़ता है, तो वो जाएगा आगे से, उसको मतलब बीच पे ही हम लोग मीट कर लेंगे उसको, फिर वहाँ से हम लोग एक साथ जाएंगे। तो चलो चलते हैं, अभी हम लोग निकले अभी फ़िलहाल घर से, घर के रास्ते से निकले हैं। और मेरे साथ है मिस्टर खुमसी, यहाँ पे भी एक फ्रेंड है, तो उसको भी हम लोग रुकेंगे, वो घर पे गया अभी। वो अभी हूँ मैं हमारे मार्केट पे मतलब होम टाउन पे, तो वाटरफॉल हम लोग का होम टाउन से इधर जाना पड़ता है मतलब राइट साइड पे, तो इस रोड पे हम लोग को जाना होगा। तो इधर से स्ट्रेट जाना होगा, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसे अराउंड होगा 20-25 किलोमीटर, 20-25 ऐसा कुछ बीच में होगा। अभी हम लोग दो ही है, डोमिनर 250 और मेरा बाइक, तो हम लोग दो ही जा रहे हैं अभी। स्पीड ब्रेकर था यार, कभी कभी दिखाई नहीं देता है, स्पीड ब्रेकर विजिबल नहीं होता है कभी कभी, ऐसा बहुत बार हुआ मेरे साथ। कुछ स्ट्रीट ब्रेकर्स ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब वाइट कलर का कुछ ऐसे कलर दे देने से अच्छा होता है, क्योंकि रोड का कलर और स्ट्रीट ब्रेकर का कलर एक ही हो जाता है, तो कभी कभी मतलब कन्फ्यूज हो जाता है यार, कभी पहचान पर भी नहीं आता। तो भाई ने 250 का टेल टैरी किया हुआ है पीछे से, लुक्स तो बढ़िया आ रहा है, बट 250 डोमिनर का एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता, इसका टायर साइज़ यार, थोड़ा सा अगर बड़ा कर देता ना डोमिनर 400 की तरह तो बहुत अच्छा लगता। इसका मतलब जो बाइक का साइज़ है ना, उसके हिसाब से मतलब इसका टायर साइज़ मैच नहीं होता मेरे हिसाब से। कमेंट पे बोलो कि आपको डोमिनर 250 का टायर साइज़ कैसा लगता है। हम लोग का एक फ्रेंड आ गया है ये बाइक पे, आप कमेंट करके बताओ यार क्या बाइक है ये, देख सकते हो क्या लग रहा है बाइक, तो कमेंट करके बताना। मैं इस बाइक का नाम रिवील नहीं करूँगा इस वीडियो पे, तो कमेंट करके बताना क्या बाइक हो सकता है ये। तो अभी एक फ्रेंड तो आ गया, और एक फ्रेंड को लेना पड़ेगा हम लोग आगे से, उसका घर आगे है। तो सब लोग अभी आ चुके हैं और मैं अभी बैक साइड पे उठूँगा, तो बाइक को चलाएगा मिस्टर खुमसी। चलो भाई, थोड़ा आगे तक चलाएगा वो। तो वाटरफॉल इस वाले पहाड़ पे है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो लोकेशन चेक करो यार, व्यू चेक करो, क्या सही सा मतलब प्लेस है। तो यहाँ पे इसके अंदर आप लोगों को बहुत बड़ा सा वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा, वो मैं जाके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो चलो बने रहिए वीडियो पे और आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी मैं आ गया हूँ RTR 160 पे, और ये रहा अपना बाइक, और डोमिनर 250 आगे वाटरफॉल। गौर से देख लो यार, पीछे से देख लो, पर फिर से आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ मैं, और साइड प्रोफाइल से एक बार देख लो, ये रहा, देख रहे हो, अलग अलग टाइप का बना रखा है इसको अलग टाइप का, सब मतलब कहीं पे भी नहीं करवाया, शॉपों पे नहीं करवाया, वो खुद से करवाया है, मतलब खुद से किया है सब कुछ। उसका भी वीडियो देखने को मिलेगा आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। यहाँ पे आप लोग मस्त पार्टी वार्टी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया सा जगह है यहाँ पे। वहाँ का जो वाटरफॉल का जो वाटर है ना, तो यहाँ से बहकर जाता है वो, और यहाँ पे पूरा आप लोग देख सकते हैं पार्टी वार्टी करते हैं यहाँ पे। हम भी थोड़ा सा करेंगे और फिर जाएंगे हम लोग वाटरफॉल, आगे ऊपर है, तो वहाँ पर जाने के बाद मैं दिखाऊँगा आप लोग को। तो फिलहाल ये व्यू इंजॉय करें। हम लोग अभी ऊपर की तरफ चल रहे हैं जहाँ पे वाटरफॉल है, और ये चेक करिए यार, यहाँ से मतलब वाटर पूरा नीचे की तरफ आता है। तो ये चेक करिए यार, क्या सुंदर सा वाटरफॉल है, देख रहे हो, और यहाँ से वाटरफॉल पूरा मतलब बहकर यहाँ तक जाता है, जैसे बहकर नीचे जाता है। तो चलिए हम भी चलते हैं फटाफट से, और आप लोगों को दिखाता हूँ वाटरफॉल। थक गए यार, चढ़ते चढ़ते थक गया मैं, ये चेक करें
क्या सुंदर सा मतलब वाटरफॉल का लोकेशन देख सकते हैं, क्या सुंदर सा प्लेस है। और वाटर देखो यार पूरा नीचे की तरफ जाता है वहाँ तक, और बहुत सुंदर सा प्लेस है। और मेन वाटरफॉल जो है ना वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को अभी। हम लोग यहाँ पे आए थे ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल पे, आप लोग थे मेरे पीछे ऐसा वाटरफॉल बहुत बड़ा था, हम लोग का यह मतलब एरिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। भाई लोग के साथ आए थे हम लोग और जगह है, जगह विजिट कर सकते हैं आप लोग भी। सबसे बड़ा वाटरफॉल हम लोग का एरिया का, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को यहाँ पे विजिट करके। ये वाटरफॉल ना देखा जाए तो हमारे आसाम में यही सबसे बड़ा शायद। और पीछे चेक करें यार क्या फाइनली यार इस जगह को टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया। तो अभी मतलब यहाँ से जाने का वक्त हो गया, तो अभी जाएंगे हम लोग और भाई लोग आगे चला गया। और चलो आज का इस वीडियो को यही पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को नया वीडियोस पे, तो मिलते हैं भाई लोग। तो हम लोग को अभी यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ से नीचे ज़रा सा भी गिर गया ना तो ख़त्म भाई, सर्वर फूट जाएगा। तो अच्छे से जाना पड़ेगा हम लोग को यहाँ से। और बाइक हम लोगों ने आगे पार्क किया है तो जाने का टाइम हो गया, तो सीधा चलेंगे बाइक के पास और जाएंगे। ये जो बाइक दिखाया था ना कि जो कस्टम किया हुआ था तो ही बाइक है, आने के टाइम पे रात हो गया हम लोग का, तो मैं चला रहा हूँ अभी। तो ये जो बाइक था ना वो है बजाज का डिस्कवर, ये डिस्कवर 135cc का है, वो जो पहला मॉडल जो पुराना मॉडल जो था तो उसी को कस्टमाइज करके ऐसा बनाया था बाइक।